बर्गर बनाने लगी हूँ और बड़े चपली कबाब बर्गर बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ ये देखें, ये मैंने चपली कबाब रखे हैं और ये मैंने ऐसे सॉस मतलब शिमला मिर्च और बंद गोभी को हम सॉस ही कर रही हूँ और मैं जो बर्गर इसमें डाल रही हूँ और साथ में रसाई तो ले रहा हूँ। ये देखते हैं जिस तरह चपली कबाब ये मैं बना रही हूँ और वो देखते हैं वहाँ पर सॉसेज प्याज और शिमला मिर्च बंद गोभी डाल के मैंने ये किया और बर्गर को मैं मतलब सेक के और इसके अंदर आपको जब बनाऊँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी जी। अब ये देखें गाइस से मैं ये कबाब बर्गर के ऊपर मायोनीज और केचप और ये मैं डाल रही हूँ और ये कबाब है और इनको मैं डालते मतलब से करूँगी। ये देखें मैं अब आपको बर्गर बनाने का तरीका दिखा रही हूँ। ये केचप और ये मैंने जो सॉस करते सब्जी रखी और ये कबाब डाला। दिस इज यूजर बन गया। ओके इसी तरह देन आप बाकी भी बना लें। थे मैंने नींबू और मतलब थे स्टंजी बना रही हूँ तो ये मैं अब आप दिखा रही हूँ स्टंजी बना रही हूँ और ये देखें जी। अब मैंने ये देखें चिप्स ताते हैं और इसके साथ मैं आप बेसन थोड़ा सा डाले थे और नमक डालूँगी क्योंकि ये चिप्स भी ज़रा चिप्स बने। वैसे मैं मैदा डालती हूँ और आज मैदा ना होने की वजह से मैंने बेसन डाला है। अब ये फ्राइज बन रहे हैं और ये मैंने बर्गर्स तैयार करके रखे हुए हैं ठीक है। तो ये बर्गर्स अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अब मैंने ये बर्गर्स बनाए हैं और ये फ्राइज भी क्रिस्पी फ्राइज बनाए हैं और ये मैं अब प्लेट तो सेट कर रही हूँ। एंड दिस ये देखें मैंने ये प्लेट तो सेट की है और साथ अभी आपको मैं और दिखाती हूँ। अब ये देखें मैंने प्लेट सेट की है और ये मैं साथ स्टंजी डाल रही हूँ। आपको पता है जब गर्मी का मौसम हो और स्टंजी होए तो बात मज़े की लगती है। ये देखें ये स्टंजी और प्लस साथ चपली कबाब बर्गर्स और ये आज मैंने बनाया है और थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरा लाइक पेज तो सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो और कमेंट प्लीज़ करिएगा। थैंक यू अल्लाह।